नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा आपको एक बार इधर नज़र डालनी है। बीएड फर्स्ट और सेकंड, यानी कि बीएड फर्स्ट में पेपर होता है अधिगम एवं शिक्षण, और बीएड सेकंड में होता है समावेशी विद्यालय का सृजन। उसका हम एक कॉमन टॉपिक लेके चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो दोनों ही पेपरों में लगा हुआ है। ठीक है ना, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। उसी प्रकार बीए बीएड सेकंड और बीए बीएड फोर्थ, उसी प्रकार बीएससी बीएड सेकंड और बीएससी बीएड फोर्थ। यानी कि जो बीए बीएड सेकंड में तो कौन सा पेपर है, अधिगम एवं शिक्षण, और फोर्थ में कौन सा है, समावेशी विद्यालय का सृजन। वहाँ भी ये कॉमन टॉपिक लगा हुआ है, क्या नाम है उसका, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, उसी प्रकार बीएससी बीएड सेकंड और फोर्थ, उनमें भी ये पेपर दोनों पेपर हैं, और उनमें कॉमन टॉपिक कौन सा है, क्रियात्मक अनुसंधान। इसको हमने स्टार्ट की, शुरुआत की है इसकी, और इसके बारे में हमने इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, ये कैसे, उसके बारे में हमने समझ लिया था कि आखिर में क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। फिर मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं क्रियात्मक अनुसंधान पर आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टार बनाकर महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाऊंगी, तथ्य लिखवाऊंगी कि आखिर में क्रियात्मक अनुसंधान कब आया, कैसे प्रयोग में आया, कौन इसको लाने वाले थे, इसके जनक कौन थे। ठीक है, शिक्षा में प्रयोग करने वाले कौन थे। तो इस प्रकार से हम इनको स्टार बनाकर लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन कर देती हूँ एक बार कि आखिर में क्रियात्मक अनुसंधान की डेफिनेशन हमने आपको क्या दी थी पीछे। ठीक है ना, यानी कि क्या चल रहा है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान में हमने दो शब्द होते हैं, शाब्दिक तौर से उनका अर्थ हमने समझ लिया था, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन, यानी कि कहते किसे हैं अनुसंधान, वो हमने जान लिया था। अब थोड़ा सा हम इसका एक बार इसकी वो डाल देते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो इनका हम लिखेंगे, इनको हम स्टार बनाकर एक बार, मैं आपको जो हमने कल समझा था कि कहते किसे, एक बार उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अंतिम रूप से उसका रिवीजन कर लेते हैं, परिभाषा के कहते किसे हैं। ठीक है, तो हमने एक बात आपको बताई थी, विद्यालय, हमारी जो शिक्षा है उससे कौन कौन से बिंदु जुड़े होते हैं, हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं विद्यालय, विद्यालय तो है ही है, विद्यालय ऑल ओवर, समस्या तो किसकी है, विद्यालय की है, क्योंकि विद्यालय से ही तो विद्यार्थी जुड़े होते हैं, विद्यालय से ही शिक्षक जुड़ा हुआ होता है, विद्यालय से ही शिक्षण जुड़ा हुआ होता है। तो शिक्षा से हमारे कितने बिंदु जुड़े हुए थे, एक तो था शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, और तीसरा शिक्षण और विद्यालय। ठीक है बेटा, देखो, यानी कि इन चारों से संबंधित, इन चारों से, चाहे वो शिक्षक हो सकता है, शिक्षार्थी हो सकता है, शिक्षण हो सकता है, और विद्यालय हो सकता है, इनसे संबंधित समस्याओं का, इनसे संबंधित तात्कालिक समस्याओं का, इनसे संबंधित तात्कालिक समस्याओं का क्या करना, समाधान करना। कैसा समाधान करना, वैज्ञानिक समाधान करना ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, क्लियर, अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, लिखिए स्टार बनाकर, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग, क्रियात्मक अनुसंधान का अनुसंधान का
सर्वप्रथम प्रयोग क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1926 में बकिंघम ने अमेरिका में किया था। ठीक है, देखो बेटा, समझो इस महत्वपूर्ण बिंदु को, तथ्य को। हम 9-10 की संख्या में स्टार बना के इनको लिखवाएंगे, जो महत्वपूर्ण स्टार है हमारे लिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है ना, यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1926 में बकिंघम ने, कौन है ये, बकिंघम ने अमेरिका में किया था। लेकिन इसके पीछे एक चीज और लिखी हुई है, किन्हीं कारणों से यह मान्य नहीं हो पाया। ठीक है, समझो देखो एक बार, यानी कि हमको सिर्फ ये जानना है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमसे ये पूछा जाए कि क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे। ठीक है, अब मानना नहीं मानना तो बात की बात है, हमको सिर्फ ये पता करना, ये जानना है, ये मालूम होना चाहिए कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे और कब किया था, सन 1926 में, और कहाँ किया था, अमेरिका में किया था। ठीक है, तो ये बात हमारे दिमाग में आ गई कि सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कब हुआ था, सन 1926 में अमेरिका में, और बकिंघम के द्वारा किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। ठीक है ना, मतलब इसको व्यवहार में नहीं अपनाया था, नहीं इसको मान्यता दी गई थी, तो किन्हीं कारणों से ये मान्य नहीं हो पाया। ठीक है बेटा, तो ये लाइन हमने लिखी है, उसके बाद हम सेकंड स्टार बनाएंगे, उसमें लिखेंगे हम। अब एक बात और है बेटा, ठीक है ना, यानी कि एक बात और है, ये तो क्या हो गया, क्रियात्मक अनुसंधान है। देखो बेटा, शब्दों का फेर, ये सिर्फ क्रियात्मक अनुसंधान है। ठीक है ना, क्रियात्मक, हमसे ये पूछे कि सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कब हुआ था, तो हम क्या कहेंगे, बकिंघम ने किया था सन 1926 में, कहाँ किया था, अमेरिका में किया था। अब जो सेकंड स्टार आपके पास आ रहा है, वो क्या कहता है, देखो, यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है, शब्द का देखो क्या आ गया इसमें, शब्द, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1933 में कोलियर, क्या है उसका, उनका नाम कोलियर ने द्वितीय विश्व युद्ध के द्वितीय
युद्ध के समय किया था। कब किया था? कब किया था भाई? यानी कि देखो, दो तथ्य हैं हमारे पास, दो स्टार हैं, दोनों स्टार में अंतर है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करने वाले कौन थे? बकिंगम थे। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? सन 1933 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? कोलियर के द्वारा किया गया था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय पे किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम जो लिखेंगे, यहां दिखेगा नहीं बेटा, इसको यहां से तीसरा जो हमारा स्टार है लिखिए, सन 1946 में स्टार बनाकर कुर्ट लेविन के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कुर्ट लेविन के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में किया गया। आया अंतर समझ में? यानी कि सन 1946 में कुर्ट लेविन के द्वारा, ठीक है, के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में किया गया, ठीक है। अब ये कुर्ट लेविन वही हैं जिन्होंने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था, सामाजिक का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है, और जिन्होंने जो सूज के सिद्धांत में भी शामिल है, ठीक है ना। तो सन 1946 में कुर्ट लेविन के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में किया गया था। यानी कि सामाजिक रूप से हम किसी का अध्ययन क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट, हम लिखेंगे सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में किसने किया था बेटा? कुर्ट लेविन ने। नेक्स्ट लिखिए, अब आइए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आया है वो अब आया है, देखो बेटा क्या है, लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमको शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सन 1953 में स्टीफन
स्टीफन एम कोरे के द्वारा किया गया, ठीक है। यानी कि ये तो हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। अब जो हम सबसे महत्वपूर्ण जो हमको पढ़ना है इसको, जो जिसके लिए हम करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा क्षेत्र में, तो उस शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग करने वाले कौन थे, ठीक है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कब किया गया था बेटा, 1953 में, ठीक है ना, 1953 में स्टीफन एम कोरे के द्वारा किया गया। इससे पहले अन्य जगहों पर हो रहा था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये कब आया हमको ये जानना है कि जो हमारी शिक्षा है उसके क्षेत्र में हमारा क्रियात्मक अनुसंधान कब आया, तो वो कब आया बेटा, 1953 में, ठीक है ना। अब लाने वाले कौन थे, स्टीफन एम कोरे, ठीक है। अब कई बार देखो बेटा अंतर इसमें शब्दों का फेर है, हर है पढ़ जा रहे हैं हम, हर जगह आ क्या रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन एक शब्द आंसर को बदल देता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करने वाले कौन थे, ठीक है ना, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, तो कौन थे, बकिंगम थे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, कोलियर थे, ठीक है ना बेटा। सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में इसको लाने वाले कौन थे, शब्दों से आंसर चेंज हो रहा है, शब्दों से, जैसे ही शब्द सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में इसका प्रयोग कब किया गया था और किसने किया था, कुर्ट लेविन ने किया था, ठीक है ना, सन 1946 में। अब बारी आती है हमारी शिक्षा की, कि इसको हमारी शिक्षा में लाने वाले कौन थे, कि जिस तरह क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से हम हमारी शिक्षा में सुधार कर सके, हमारी शिक्षा की समस्याओं को हम दूर कर सके। क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है बेटा, समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सन 1953 में स्टीफन एम कोरे के द्वारा किया गया था, आई बात समझ में। तो इस तरह से स्टीफन एम कोरे ने सन 1953 में शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, ठीक है ना। आप सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो नोट करिए, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, अब जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में ये लाए थे क्रियात्मक अनुसंधान को, और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी, किन्होंने, स्टीफन एम कोरे ने ही एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, एक्शन एक्शन रिसर्च, इन्होंने क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना, किन्होंने, स्टीफन एम कोरे ने, ठीक है। अब देखो इससे भी महत्वपूर्ण बात फिर और आती है, देखो यहीं से हम समझ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में किसने किया था प्रयोग, स्टीफन एम कोरे ने, और उन्होंने इस पर, इसी क्रियात्मक अनुसंधान पर ही, इसी नाम से ही इस पर क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी, जिसमें इसने डिटेल से क्रियात्मक अनुसंधान को समझाया हुआ है, उसका विवरण दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी कारण क्या है बेटा, इसी कारण जो हमारे कौन है, स्टीफन एम कोरे, कौन है, स्टीफन एम कोरे, उन्हें ही हम क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कहते हैं, क्या कहते हैं। तो क्या स्टार है हमारा, अगला स्टार क्या बनेगा हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है, स्टीफन एम कोरे, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक स्टीफन एम कोरे को माना जाता है, को माना
जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहां से साफ कर देते हैं इसको। अगला अति महत्वपूर्ण बिंदु स्टार आ रहा आपके पास, यानी कि 19वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से क्रियात्मक अनुसंधान को अनुसंधान को शिक्षा का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। 19वीं शताब्दी से, 19वीं सदी से, शताब्दी से क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, समस्याओं के समाधान के काम आता है। और शिक्षा में हमें सबसे अधिक समस्या आती है कहाँ, शिक्षा के क्षेत्र में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए इसे शिक्षा का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई समस्या आती है तो उस पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है, या क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए और समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण बिंदु। थोड़ा सा आप देखो बेटा, थोड़ा समझो इसको, यानी कि मैंने बार बार आपको एक शब्द दिया था, ठीक है ना, तात्कालिक। कौन सा शब्द आ रहा है बार बार एक ही, तात्कालिक। बार बार एक शब्द आया था, बार बार क्या, जो मैंने सबसे आपको, जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने शब्द आपको नोट करवाया था, या पकड़ने को कहा, एक तरह से उस पर ध्यान देने के लिए कहा था, वो शब्द था तात्कालिक। यानी तात्कालिक का मतलब क्या होता है, उसी समय जो समय हमें समस्या हमारे सामने आई है उसका समाधान ढूंढना। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हम फिर इसको सिंपल भाषा में हम क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा समझें तो यही है कि तात्कालिक शैक्षिक समस्याओं के आगे हम एक शब्द और जोड़ सकते हैं जो हमने डेफिनेशन में लिखा है, तात्कालिक शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, वैज्ञानिक समाधान के लिए अपनाई गई प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं और कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं वो बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अभी तो क्लासें इसमें और भी होंगी, दो तीन क्लासें होंगी जब हमारा क्रियात्मक अनुसंधान कंप्लीट होगा, लेकिन अब इतना आपको मालूम चल गया कि क्रियात्मक अनुसंधान सबसे पहले कब आया, ठीक है ना, शब्द का प्रयोग कब हुआ, सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में वो कब आया, ठीक है ना, शिक्षा के क्षेत्र में वो कब आया, शिक्षा क्रियात्मक अनुसंधान पर जो पुस्तक लिखी थी किसी ने, रिसर्च किया उस पर, महत्वपूर्ण जो पुस्तक दी थी वो किसने दी थी, स्टीफन एम कोरे ने दी थी, और इसी कारण उनको क्या माना जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। तो इनका अध्ययन हम कर चुके हैं बेटा। और 19वीं सदी से कि हमें इतनी आवश्यकता, जब हमने क्रियात्मक अनुसंधान को देखा व्यवहार में, कि हमें इतनी आवश्यकता महसूस हुई कि पहले तो इसका कहीं भी हर जगह प्रयोग हो रहा था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इतने अधिक रूप से या इतनी महत्वपूर्ण रूप से इसको अपनाया नहीं गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी से क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा का क्या बना दिया,
एक अभिन्न अंग बना दिया गया है कि जहाँ शिक्षा होगी वहाँ क्रियात्मक अनुसंधान होगा ही होगा। अगर हमें शिक्षण को सफल बनाना है, हमारी शिक्षा को सफल बनाना है, हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करना है, तो हमें क्रियात्मक अनुसंधान को अपनाना ही पड़ेगा, हमारी शिक्षा से उसको जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, इतनी बात आपके माइंड में, एक एक लाइन, एक शब्द आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे क्रियात्मक अनुसंधान है, और एक स्टार आपको मैं लिखवा देती हूँ कि जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान अनुसंधान से संबंधित, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित व्यक्ति यानी कि जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है उससे मूल रूप से कितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे हम किनको लेते हैं, पहले नंबर पे हम कौन ले लेते हैं, स्टीफन एम कोरे। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं कोलियर। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं कोर्ट लेविन। ठीक है, नेक्स्ट हेरिक। ठीक है, नेक्स्ट बकिंगम। ये हमारे क्रियात्मक अनुसंधान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट करिए। आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी बेटा, आगे और दो तीन स्टार और बनेंगे, उनको हम आगे लिखवाएंगे, और आगे जो नेक्स्ट बिंदु बनेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो मैंने आपको महत्वपूर्ण स्टार लिखवाए हैं उसमें दो तीन की संख्या में स्टार और बचे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं, उनको मैं नोट करवाऊंगी, और उसके बाद हम क्रियात्मक अनुसंधान की तीन से चार की संख्या में डेफिनेशन लिखवाएंगे। अभी हमने साधारण डेफिनेशन आपको दी है, लेकिन जो पर्टिकुलर शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है क्रियात्मक अनुसंधान की, वो मैं आपको लिखवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक।